ये रही आज की पहली ट्रिक। हम हैं नीले, पति हैं पीले और शुक्र बहन चमकीली है, छनी है काला, लाल है मंगल, लेकिन हम पर हरियाली है। तो इससे हमें पता लगेगा ग्रहों की तमाम विशेषताओं के बारे में, कौन सा ग्रह कैसे दिखता है, किस लिए फेमस है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं कि नीला ग्रह कौन सा है, पीला ग्रह कौन सा है, किस कारण से ये ग्रह पीला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए इस ट्रिक को एक बार फिर से दोहराते हैं। हम हैं नीले, पति हैं पीले और शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला, लाल है मंगल, लेकिन अरुण पर हरियाली है। हम मतलब पृथ्वी अर्थ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं नीले हैं, मतलब नीले दिखाई देती है पृथ्वी, ठीक है। किस कारण दिखाई देती है? जल की उपस्थिति के कारण, क्योंकि ऑलमोस्ट 70% हमारे यहाँ जल है, ठीक है। उसके बाद बात करें पति, पति मतलब बृहस्पति से है, बृहस्पति को हम इंग्लिश में यहाँ पर नाम दिए हैं, साथ साथ जुपिटर कहते हैं, और ये पीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि SO2 वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में है, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसके कारण ये पीला दिखाई देता है। अगला ग्रह की बात करें तो ये है वीनस, वीनस या शुक्र, ये सबसे चमकीला ग्रह है। पूछा जाता है सवाल इस पर भी, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह इनमें से कौन सा है? सबसे चमकीला होने के साथ साथ ये सबसे गर्म भी है, और इसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, इसको भी सवाल आता है। अगला ग्रह देखिए शनि, सैटर्न, ये काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही मंगल की अगर हम बात करें तो ये लाल दिखाई देता है क्योंकि आयरन की ऑक्साइड वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और फिर उसके बाद लास्ट में हमारा है अरुण या यूरेनस, जो कि हरा दिखाई देता है मेथेन के कारण, मेथेन जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4, इसे हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर निकलती दिखाई देती है? अर्थ पे आप देखते हो टॉयलेट्स वगैरह से, ये दलदल से टॉयलेट से निकलती हुई आपको मिल जाएगी, जहाँ पे बहुत सड़ी हुई सी स्मेल इससे आती है, ये ग्रीन हाउस गैस भी है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे ग्रहों की जिन्हें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं विदाउट टेलीस्कोप, लेकिन हर कोई नहीं देख सकता क्योंकि हमें डायरेक्शंस का पता नहीं होता, कौन सी डायरेक्शन में कौन सा प्लेनेट हमें दिखाई देगा। तो विनस की अगर हम बात करें, शुक्र ये भी हम देख सकते हैं नग्न आंख से, हम मरकरी या बुध देख सकते हैं, मार्स या मंगल को भी देख सकते हैं, जुपिटर और बृहस्पति को भी देख सकते हैं, साथ ही साथ सैटर्न जिसकी चारों तरफ एक रिंग होती है वो भी दिखाई देता है हमें नग्न आंखों से, लेकिन इनकी पोजिशन हमें पता होनी चाहिए, यानी कि एक एक्सपर्ट की हमें फिर भी ज़रूरत पड़ेगी कौन सा प्लेनेट कौन सी डायरेक्शन में होगा। इसके अलावा हमसे कई बार ऑर्डर पूछ लिया जाता है, सन से दूरी, दूसरी मतलब दूर जाते हुए कौन सा प्लेनेट पहले पड़ेगा, कौन सा बाद में पड़ेगा, कौन सा किसके बाद पड़ेगा, ये ऑर्डर भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए, इस पर भी सवाल अक्सर आता है। तो इसकी ट्रिक होती है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट, जस्ट सर्व यूनिट, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले पहले लेटर को आप ले लीजिए, बाकी कुछ नहीं लेना। एम से क्या होता है? मरकरी। बी से क्या होता है? वीनस। ई से अर्थ। उसके बाद एम से मदर या मार्स। उसके बाद जे से जुपिटर। उसके बाद सैटर्न या शनि। उसके बाद यू से यूरेनस। और लास्ट में है आपका नेपच्यून। बाकी हिंदी नाम हम इससे पहले ट्रिक आपको बता ही चुके हैं, तो इस ट्रिक को आप याद रखिए, ये ऑर्डर आपको पता चल चुका है कि सबसे करीब कौन सा ग्रह होता है, मरकरी होता है, उसके बाद कौन होता है, वीनस आता है, उसके बाद आती है अर्थ, उसके बाद आता है मंगल, ठीक है। और ऐसे ही बाकी का ऑर्डर भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इससे पहले की ट्रिक्स अगर आपको सीखनी है तो पिछला वीडियो हमारा देख लेना, उसका लिंक हम शेयर कर लेंगे, साथ ही साथ दो तीन इंपॉर्टेंट लिंक्स हम और शेयर करेंगे, कुछ वेबसाइट के लिंक शेयर करेंगे जहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो डिफरेंट एग्जाम्स के, सॉल्व और अनसॉल्व, बहुत ही नॉमिनल कीमत पर या बहुत ही कम कीमत पर, या फ्री में भी है कुछ चीज़ें वहाँ, कुछ पेपर्स। इसके अलावा ट्रिक्स, GS की ट्रिक्स, इसके अलावा आपका मैथ्स की ट्रिक्स, रीजनिंग की ट्रिक्स वगैरह वगैरह भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। चलिए अगली ट्रिक देखते हैं, एक बार ये ऑर्डर आप ही आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये हमारा सन है, ये आप देख रहे हैं, जस्ट वॉन्ट इसको थोड़ा बदल देते हैं, ये हमारा सन और ये हमारा पहला ग्रह या प्लैनेट मरकरी, उसके बाद आता है वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून, क्लियर। तो इसी को हमने सीखा था अभी से पहले वाली ट्रिक से। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो कि विटामिन से रिलेटेड है, विटामिन से रिलेटेड ही बहुत सारे सवाल आपको डिफरेंट कॉम्पिटिशन में मिल जाते हैं। तो क्या ट्रिक है? रथ पर एक ट्रॉफी, कई बार हम पर का इस्तेमाल करते हैं, रथ पर एक ट्रॉफी, लेकिन पर यहाँ पे साइलेंट है, उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे उसको दिखाया नहीं है, बट पढ़ने में आप उसको इसी ढंग से पढ़ना, थोड़ा सा याद रखने में आसानी रहेगी। रथ पर एक ट्रॉफी, तो देखिए कौन क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए रथ रा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेटिनॉल जिसमें विटामिन ए कहते हैं, इसके अलावा थायमिन, था किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थायमिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एस्कॉर्बिक एसिड, स्पेलिंग यहाँ स्कॉर्पियो के सेटिंग्स में गलती हुई है तो इसको थोड़ा सा आप देख लेना।
सही करा देंगे नेक्स्ट टाइम आपको, ये बट हम डिटेल से पढ़ाएंगे। अच्छा उसके बाद पर तो आपको पता है साइलेंट है, तो यहाँ हमने दिखाया भी नहीं है। उसके बाद का की बारी आती है, तो का है हमारा कैल्शियम फॉरऑल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये विटामिन डी का नाम है, उसके बाद विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, ठीक है। ये टा से रिप्रेजेंट किया हमने, और फिर बचता है फी, फी विटामिन के को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फाइरोकिनोन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। इसकी स्पेलिंग गलत है बट हम उसको सही करा देंगे आगे जाकर के। अब देखिए एक और ट्रिक है, जो कि विटामिन बी के बहुत सारे फॉर्म्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड है, उनको याद रखने की ट्रिक है ये। तो B1, B2, B3 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन B4 इंपॉर्टेंट नहीं है, B5 भी इंपॉर्टेंट है, B6 भी इंपॉर्टेंट है, B7 भी, 8, 9, 10, 11 फिर इंपॉर्टेंट नहीं होते, और 12 भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो B1 जिसे हम थायमिन भी कहते हैं, इसके लिए ट्रिक क्या हम इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, देखिए थो मतलब थायमिन, उसके बाद रा रिप्रेजेंट करता है राइबोफ्लेविन को, न्यू रिप्रेजेंट करता है निकोटिनामाइड को, और उसके बाद बारी आती है पेंट पेंटोथेनिक एसिड को, उसके बाद पर रिप्रेजेंट करता है पायरिडॉक्सिन को, और बा रिप्रेजेंट करता है बायोटिन को, उसके बाद बचता है साइनोकोबामीन को रिप्रेजेंट कर रहा है सा, बस सा, ठीक है। तो B12 बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है ये। अब एक सवाल और बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है विटामिन के बारे में, वो है ये कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं, कौन कौन से वसा में घुलनशील हैं। दो तरह के विटामिन होते हैं घुलनशीलता के आधार पर, तो बी और सी विटामिन जो है वो जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए बी और सी जिस भी चीज़ में होते हैं सब्जियों में या चावल में उनको हम ज़्यादा नहीं धोते हैं, अगर ज़्यादा धोते हैं तो विटामिन सी और बी वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम ट्रिक से कैसे याद रखते हैं कौन कौन से विटामिन हमारे जल में घुलनशील हैं, जैसे प्रोटीन ऐड कर देते हैं, कुछ प्रोटीन जो होते हैं मोस्टली प्रोटीन कह लीजिए आप, फाइब्रस प्रोटीन को छोड़ दें तो वो जल में घुलनशील होती है। तो इसको ट्रिक के मार्फत हम ऐसे याद रखते हैं, BCP बिपिन चंद पॉल, ठीक है, स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, BCP और इन्हीं के आधार पर हम याद रखेंगे कौन कौन से विटामिन जो हैं वो जल में घुलनशील होंगे। तो पहला है हमारा बी, दूसरा है सी, और फिर उसके बाद हमने ऐड कर दिया है इसके साथ प्रोटीन्स को भी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।